तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है कौन है गेम प्ले वीडियो में। भाई इस वाले मैच में यहाँ पर मैं कह रहा था सोलो वर्सेस स्क्वाड, यहाँ पर मेरा प्लान तो पूरा होता है ईस्ट पोर्ट में जाने का, लेकिन बस देखो यहाँ पर क्या स्कैम होता है मेरे साथ। यहाँ पर मैं जंप लगा तो देता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ भाई आई बटन से, तो भाई यहाँ पर मैं देखता हूँ दो दो स्क्वाड जो होती है वो यहाँ पर भाई वेयर हाउस में जाते हैं। तो यहाँ पर मैं फटाक से अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ और मैं भी भाई वेयर हाउस की तरफ निकल लेता हूँ। हालांकि मेरी लेट लैंडिंग होगी और होती भी है, लेकिन फिर भी देखना बस कैसे निपटेंगे इन सभी बंदों को, क्योंकि यहाँ पर उतरते के साथ भाई मेरी किस्मत थोड़ी सी चल जाती है और मेरे को यहाँ पर दो दो गन्स मिल जाती है। तो बस ना कैसे निपटाएंगे इन सभी बंदों को। अब जैसे यहाँ से मैं दोनों गन्स उठाता हूँ भाई, मेरे को बगल से मतलब जो स्क्वाड हाउस होता है वहाँ से कुछ फुटस्टेप आते हैं, और यहाँ पर मुझे अभी तक केवल एक ही बंदे के फुटस्टेप आ रहे थे, लेकिन भाई जैसे मैं थोड़ा सा और क्लोज आता हूँ भाई मेरे को दो दो बंदों के फुटस्टेप आने लगते हैं और भाई यहाँ पर पूरी की पूरी स्क्वाड आ जाती है। तो बस देख ना, अब यहाँ पर मैं जैसे ये वाला फर्स्ट उठाता हूँ, मैं भाई इधर वाली साइड को छोड़ता हूँ, मतलब जो वेयर हाउस वाली साइड है उधर मैं इग्नोर करता हूँ, और मेरा जो पूरा ध्यान था भाई इधर हो गया था। तो बस देखो यहाँ पर अब यहाँ पर जहाँ तक मुझे लग रहा था कि भाई इस वाली गाड़ी में दो दो बंदे हैं जिन्होंने भाई मेरे ऊपर बिल्कुल अंधा पुश कर दिया, लेकिन भाई ऐसे नहीं होते। अगला बंदा भाई डर के वापस से भाग जाता है जैसे मैं इन दोनों बंदों को फिनिश करता हूँ। उसके बाद भाई मैं सीधा पुश करता हूँ उन बंदों के ऊपर जो कि भाई सामने फाइट कर रहे थे, मतलब बॉट्स को मार रहे थे। तो बस देखना उन्हें भी निपटाएंगे। फिलहाल यहाँ पर मेरे पास सारी लूट हो गई थी क्योंकि भाई मैंने पीछे की सारी क्रेट्स लूट ली थी। और बस देखो यहाँ पर और यहाँ पर इसी के साथ भाई ये पूरी की पूरी स्क्वाड भी मारी जाती है जो कि भाई यहाँ पर पता नहीं क्या ही कर रही थी, मतलब वहाँ पर उनकी लूट पूरी नहीं हो पाई थी, मतलब उधर अलग स्क्वाड ही थी। तो भाई ये वाली जो स्क्वाड होती है डर के इस साइड आए थे लूटने के लिए, लेकिन भाई किस्मत इनकी खराब चलती है भाई, मतलब यहाँ पर भी आकर मारी जाती है। और यहाँ पर भाई जितने के जितने बंदे आए हुए थे वेयर हाउस में सारे के सारे मारे जा चुके हैं। उसके बाद मैं गोटा के सीधे निकल लेता हूँ ड्रॉप के पास, और मुझे लगा था कि भाई ड्रॉप के पास बंदे मिलेंगे या फिर कोई अच्छी वेपन मिल जाएगी, लेकिन बस देखो यहाँ पर अब जैसे मैं वाला ड्रॉप खोलता भाई मुझे यहाँ से आरपीजी मिल जाती है। अब यहाँ पर मेरे दिमाग में आता है कि भाई पहले मैं चला लूँ, लेकिन भाई यहाँ पर मैं सारी एमओ उठा लेता हूँ। उसके बाद मैं स्टॉल के ले रखी है इस वाले मैच में, आपको पहले बता रहा हूँ। और यहाँ पर मैं सेकंड ड्रॉप पर आता हूँ, और भाई यहाँ पर देखो थर्ड हिल में पहले मैं चेक करता हूँ, क्योंकि भाई अगर मैं ड्रॉप लूँ ड्रॉप बिल्कुल ओपन में तो भाई गलत ही सीन हो जाएंगे। और यहाँ पर भाई सारे के सारे डोर्स ओपन होते हैं और एक बंदा तो भाई मेरे जस्ट इस वाले बान हाउस में होता है। जैसे मैं इस बंदे में पुश करता हूँ, ये बंदा ऊपर की तरफ भाग जाता है, और तभी मुझे बाहर से कुछ फुटस्टेप आते हैं। और यहाँ पर इस वाले बंदे को भी तुम्हारा भाई नॉक गया था। अब देखो इस वाले मैच में मैं एस्ट्रोले के इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि देखो ये थोड़ी सी रैंक पुशर्स लॉबी है, और भाई इस लॉबी में भाई सारे के सारे बंदे एस्ट्रोले का यूज करते हैं, चाहे उन्होंने भले ही अपने आप को डिफेंड करने के लिए रखा हो या फिर बंदों ने पुश करने के लिए, भाई दोनों केसेस में आपके पास मतलब जो सामने वाले एनिमीज है उनके पास एस्ट्रोल के मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पर इसलिए मैंने अपनी सेफ्टी के लिए एस्ट्रोल के रख रखी है, और तो आपको सामने की तरफ एक बंदा दिख गया होगा और यहाँ से मैं भागने की ट्राई करता मतलब निकलने की। और यहाँ पर ये वाला बंदा पूरा कंफ्यूज था, इस बंदे को मेरी लोकेशन कतई नहीं बताती।
और ये बंदा शायद मेरे से छुपने की ट्राई कर रहा था क्योंकि इसके बाकी के टीममेट्स को मैं मार चुका था और ये मतलब जैसे तीसरा टीममेट है इस वाली स्क्वाड का। तो यहाँ पर मैं इस वाले बंदे को भी फिनिश करता हूँ, इसका लास्ट टीममेट आता है लेकिन भाई जैसे ही मैं इस बंदे को फिनिश करता हूँ वो बंदा भाई यहाँ पर रुकता ही नहीं, बग्गी उठा के 9-2-11 हो जाता। तो यहाँ पर मैं उस बंदे को इग्नोर करता हूँ। अब जैसे मैं ये वाला क्रेट लूटने लगता हूँ भाई उस बग्गी वाले बंदे का साउंड मुझे दोबारा से आता है, मतलब वो बंदा चारों तरफ बग्गी घुमा रहा था बार बार। तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा था लेकिन फिर भी मैं बग्गी उठा के निकल रहा था और तभी मेरे को सामने की तरफ बंदा दिखता है उछलता हुआ। तो यहाँ पर मैं इस वाले बंदे को छोड़ देता हूँ और ये उसी की स्क्वाड थी, यहाँ पर जो तीन बंदे मैंने मारे हैं वो इसी बंदे की स्क्वाड थी और ये बंदा शायद से अलग उतरा था इसलिए ये बग्गी उठा के आता है यहाँ पर और ये वाला बॉट भी आया था इसी बीच। और यहाँ पर तुम्हारे भाई इस वाले बॉट को भी फिनिश कर देता है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर मिलने के बाद मैं बग्गी उठा के सीधा निकल लेता हूँ मतलब बंदों पर पुश करने के लिए, क्योंकि राइट साइड से बहुत देर से गन साउंड आ रहे थे तो वहाँ पर पुश करना तो बनता था और वहाँ पर भाई दो दो स्क्वाड्स होती है। तो बस देखना यहाँ पर सही गल है यार, ये बोल नहीं रहा भाई यार, भाई बोलो तो सही यार। अब यहाँ पर मैं एक बंदे को नॉक कर फिनिश करता हूँ और एक बंदा नॉक कर अंदर की तरफ जा रहा था रिवाइव होने के लिए। तो यहाँ पर मैं बग्गी उठा के सीधा पुश करता हूँ और अब मतलब जो अपना मीटअप वाला बंदा होता है उसे मैं उठाता नहीं क्योंकि क्या पता आगे आखिर वो मतलब उसकी पेटी बन जाए, लेकिन भाई वो बंदा पीछे पीछे आ ही जाता। तो यहाँ पर मैं चेक करने के लिए आता हूँ लेकिन भाई यहाँ पर तो कोई भी नहीं होता क्योंकि ये वाली जो स्क्वाड होती है भाई पूरी की पूरी फिनिश हो जाती है। और यहाँ पर इस वाली स्क्वाड को जिन बंदों ने फिनिश करा वो मेरे जस्ट सामने थे और यहाँ पर उन बंदों ने भाई मेरे को काफ़ी अच्छा डैमेज दिया था। अब यहाँ पर देखो सामने वाली जो स्क्वाड होती है भाई फुल अग्रेसिव खेल रही थी हालांकि उनके पास कोई भी गाड़ी नहीं थी वरना अभी तक हमारे ऊपर पुश हो जाता। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में वो गाड़ी की तरफ जाने की ट्राई करते हैं, तो यहाँ पर मैं मारने की ट्राई करता हूँ इन बंदों को। अब यहाँ पर जो था हम दोनों मारते भाई सामने वाला बंदों को लेकिन भाई तभी मेरे ऊपर कहीं से ये वाला ग्रेनेड आता है मतलब इस वाले कमरे के अंदर, मतलब कमरे के अंदर तो नहीं आता बाहर ही गिर जाता है। और यहाँ पर मेरे को पता लग चुका था कि भाई ये जो बंदे क्लोज इन कर चुके हैं और तभी भाई गाड़ी उठाकर वो बंदे हमारे ऊपर पुश भी कर देते। तो यहाँ पर मैं दिमाग लगाता हूँ मतलब पीछे की तरफ जाता हूँ लेकिन मैं पानी में गिर जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि भाई थोड़ी देर पानी में रहते हैं और उन लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज करते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर मेरा जो मीटअप वाला बंदा होता है यहाँ पर भाई उसकी शामत आ गई थी क्योंकि भाई वो वाला बंदा उन चारों के सामने चला जाता है और भाई मारा जाता है। तो अब बारी थे भाई 1v4 की और यहाँ पर एस्ट्रोल के का मतलब क्लस देखो बस। Enemy down. और यहाँ पर भाई सच बोलूँ तो भाई मीटअप वाले बंदे ने मेरी इस वाले स्क्वाड को मारने में मदद करी है क्योंकि भाई उन बंदों का जो पूरा ध्यान था उस मीटअप वाले बंदे पर चला जाता है और इतने में भाई मेरे को टाइम मिल जाता है उन बंदों को निकल के मारने का। और यहाँ पर देखो आप लोग सोच रहे हो कि भाई तू एस्ट्रोल के उठाकर जुल्म क्यों कर रहा है भाई पूरी के पूरी लॉबी पर। अब देखो भाई जब सामने वाले बंदे एस्ट्रोल के चलाएंगे और एक स्क्वाड में 2 से 3 बंदे लगभग एस्ट्रोल के चलाएंगे तो भाई मैं अकेला क्या ही कर लूँगा, तो इसलिए यहाँ पर मैं एस्ट्रोल के का यूज़ कर रहा हूँ। और इस वाले स्क्वाड में भाई 2 बंदों के पास एस्ट्रोल के होती है तो भाई मतलब टेंशन की कोई बात नहीं है। और जिन बंदों को मारूंगा भाई मतलब वो तो भाई एस्ट्रोल के वाले होंगे और कुछ बंदे जो मासूम जिनको भाई एस्ट्रोल के मिली नहीं इस लॉबी में तो भाई उन बंदों को तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जुर्म करके मार रहा हूँ ये कह सकते हो, लेकिन भाई मेरे को क्या पता कि भाई उनके पास एस्ट्रोल के है या नहीं। तो यहाँ पर मैं कोई भी रिस्क नहीं ले रहा था मतलब जो सामने वाले बंदे मतलब क्लोज रेंज की फाइट में एस्ट्रोल के का यूज कर रहा था और ये मान के चल रहा था कि भाई सामने वाले बंदे के पास भी एस्ट्रोल के है। अब यहाँ पर शुरुआत में तो मैं कंफ्यूज था कि भाई बंदे कहाँ पर है, लोकेशन बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर क्लोज आते आते मुझे लोकेशन पता चल जाती है और ये दो क्रेट्स देखकर भाई यहाँ पर मेरा शक कंफर्म हो जाता है और मेरे को एक बंदा भी दिखता है नीचे की तरफ। Enemy down.
और जैसे कि मैंने कहा था कि भाई सभी S12K यूज कर रहे हैं और ये S12K वाला बंदा बचा होता है, इसके बाकी के टीममेट शायद से AR चला रहे थे, मतलब एक बंदा शायद S12K चला रहा था जो कि आगे की तरफ क्रेट पड़ा हुआ है, वो बंदा S12K चला रहा था। और यहाँ पर देखो लगभग सभी के क्रेट में S12K आपको देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर देख सकते हो यार सभी के क्रेट में S12K है, तो मतलब देख सकते हो बराबरी का मुकाबला होना चाहिए। और फिलहाल मैं तो अकेला हूँ, तो भाई ये मत बोलना कि भाई तू S12K यूज क्यों कर रहा है, तो भाई मैंने आपको इतने सारे रीजंस दे दिए। अब उसके बाद देखो लास्ट का बंदा बचा होता है, यहाँ पर इस वाले बंदे को निपटाने के बाद यहाँ पर मेरे 20+ किल चिकन डिनर हो जाते हैं, तो यहाँ पर मैं लास्ट बंदे को ढूंढ रहा था। और भाई ये मत बोलना कि तेरे को लोकेशन कैसे पता चली, बस फुटस्टेप सुनो यहाँ पर। और यहाँ पर इस वाले बंदे को निपटाने में भाई काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि ये वाला बंदा बिल्कुल एंड में होता है, और यहाँ पर भाई मैं फुल चालाकी के साथ खेल रहा था। और यहाँ पर इस वाले बंदे को निपटाने का बात कर लेते हैं तुम्हारा भाई चिकन है। तो गाइस ये आज की गेम प्लेड में कैसा लगा, गेम प्लेड कमेंट करके जो बताना, गेम प्लेड अगर तुझे बढ़ेगा तो प्लीज इस वीडियो पर लाइक जो कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको रेगुलर से भाई मेरी गेम प्ले वीडियो मिल जाए। और सेकंड चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो भाई उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। और जैसे भी मेरी सेंसिटिविटी की वीडियो चाहिए भाई वो चैनल सब्सक्राइब करना कंपलसरी है, क्योंकि भाई देखो उसी चैनल पर आने वाली सेंसिटिविटी की वीडियो और भाई बहुत जल्दी आने वाली है, तो भाई जाके वहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट गेम प्लेयर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।